फिलहाल जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हैप्पी यात्रा चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। अब बड़ी धर्म संकट में पड़ गए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अभी हम आ गए हैं क्या बोडेनिक गार्डन बस स्टेशन। तो अभी हम आ गए हैं दिल्ली नोएडा में, वो भी गलती से आ गए हैं। एक्चुअली हमको जाना था वृंदावन और हम गलती से आ गए यहाँ पे। बस वाले ने रोका ही नहीं, रोका था बट हम सो गए थे, थोड़ा सा मेरे सर में दर्द था, सो गए और इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला कब हम दिल्ली आ गए। अब इतने टाइम यदि हम निकलते हैं वृंदावन के लिए तो फिर रात हो जाएगा, फिर वहाँ पे रुकने में प्रॉब्लम होगी। वृंदावन रुकने का पूरा सेटअप हमारा हो गया था, कैसे कहाँ पर रुकना है, लेकिन अचानक से दिल्ली आने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें हम। तो अभी हालांकि यहाँ पे तो हैं कई लोग हैं, मेरी सिस्टर भी हैं यहाँ पे दिल्ली में, शादी है और वहाँ पे हम जाना भी नहीं चाह रहे हैं। और भी तमाम मित्रगण के लोग हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ समझ में नहीं रहा अचानक से ऑन द स्पॉट किसको मैं बोलूँ, या तो फिर होटल लेकर आऊँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिलहाल थोड़ा सा शांत होकर के मैं डिसाइड करता हूँ क्या करना है, कहाँ जाना है, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। पहले कुछ सोच लें क्या करें, सर भी फटा जा रहा है। तो दोस्तों काफ़ी डिसाइड करने के बाद समझ में आया कि दीदी के पास ही चले जाते हैं, और अभी फ़ोन भी मेरा स्विच ऑफ होने वाला है। तो मेट्रो स्टेशन पे है तो हम सोच रहे हैं कि जब तक वहाँ तक पहुँचे तब तक मेरा फ़ोन ऑन रहे किसी तरीके से। थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तभी हम मेट्रो स्टेशन पे हैं। अब चल रहे हैं कि देखते हैं कौन सा ट्रेन जाएगा, अभी इसके बारे में सब कुछ डिटेल समझना है। फिर यहाँ से निकलेंगे तिलक नगर के लिए, तो तिलक नगर पहुँच करके फिर मिलते हैं, पहले यहाँ का तो सब कुछ क्लियर कर लें। दोस्तों करीबन एक घंटे का सफ़र करने के बाद आ गए हैं तिलक नगर। अब तिलक नगर यहाँ पे मेरा भांजा आया हुआ है, उसके पास चलते हैं। और सर में इतना ज़ोर दर्द है, पहले तो हम दवा लेंगे फिर उसके बाद ही कहीं जा पाएंगे। पूरा हालत ख़राब हो गया, चक्कर भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों आ गए हैं दिल्ली में और हमारे दो भांजे मिल गए यहाँ पे। सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, दवा ववा खा लिए, थोड़ा सा आराम मिला है। तो अभी हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ कपड़ा वगैरह खरीदेंगे यहाँ पे। और अचानक से दिल्ली आना पड़ा, कुछ प्लानिंग ऐसा कुछ भी नहीं था, बस नींद थोड़ी सी लगी और आ गए दिल्ली में। दिल्ली आ ही गए हैं तो यहाँ पे घूम लेते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं और आप लोग भी घुमाते हैं, बने रहिए इसी तरह से। चलिए कुछ कपड़ा लेना है, पहले देखते हैं क्या पसंद आता है, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों दिल्ली में आने के बाद पता चला यहाँ पे एक शादी अटेंड करना पड़ेगा हमको, तो इसलिए ऐसा कुछ मेरे पास कपड़ा नहीं था जो शादी अटेंड कर पाए। तो अभी आ गए यहाँ पे कपड़ा लेने के लिए, और हालांकि कपड़ा ले लिए हैं लेकिन वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा क्या लिए हैं क्या नहीं लिए हैं, तभी इसमें नहीं दिखाएंगे। कपड़ा ले लिया गया है, पैक भी हो रहा है और यहाँ से अभी निकल रहे हैं रूम पे। और बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं था, अचानक से ऐसे यहाँ पे हम आ गए और शादी अटेंड करना है तो लेना पड़ेगा ही। मेरे पास ऐसा कोई ड्रेस नहीं था जो कि हम शादी में पहने, तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं रूम पे। हेलो दोस्तों, फाइनली मामा यहाँ रूम पर पहुँच गए हैं, और रास्ते में उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी तो इस समय देखिए रेस्ट कर रहे हैं वो। देखिए वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, वो थोड़ी सी तबीयत उनकी रास्ते में ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो दवा ले लिए, दवा लेकर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं वो। तो दोस्तों एक डेढ़ घंटा आराम किए यहाँ पे, रास्ते में चक्कर भी आ रहा था, उल्टी भी हो गया, इस वजह से थोड़ी सी वीकनेस जैसा फील होने लगा, कुछ खाने का मन भी नहीं करा। तो अभी भांजे ने पोहा लेकर के आया है तो ही खा रहे हैं। और शादी का माहौल है, डीजे वगैरह बज रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब लोग वहाँ डांस कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ घर से बाहर मतलब बगल में एक रूम है, उस रूम में अकेले यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पे डीजे की आवाज़ मेरे सर में ऐसे लग रहा कि फट जाएगा सर, तो इस वजह से हम वहाँ नहीं गए, इधर ही लोग यहाँ पे इसको खाएंगे, फिर इधर ही रेस्ट करेंगे और क्या बताएं, ज़िंदगी इसी का नाम है। फिलहाल जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो भी खाना था खाओ लिए, और थोड़ा खाने के बाद अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा फील हुआ अच्छा लगा तो फिर वहाँ जाएंगे डांस वगैरह भी करेंगे, लेकिन अभी तो नहीं मन कर रहा, अभी तो मन कर रहा बस रेस्ट करूँ रेस्ट करूँ रेस्ट करूँ, तो अभी रेस्ट ही करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम है, करीबन 11 बज रहा है
और हम लोग जा रहे हैं स्नान करने। कल पूरी रात सो गए थे, थके हुए थे, इसलिए रात में तो कुछ नहीं वीडियो बना पाए। आज शादी का माहौल है तो शादी भी है, इसलिए नहा वहाँ करके तैयार होना है फटाफट। अब वीडियो, ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देंगे। दूसरे वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि शादी के माहौल में हो सकता है डांस वगैरह भी सब लोग मिल करके करें। क्या हमें डांस करना है? तो शादी है यहाँ, भांजी का शादी है, तो यहाँ पे दीदी वगैरह भी आई हैं और तमाम भांजे लोग भी हैं साथ में, तो सबके साथ यहाँ पर मस्ती होने वाली, इंजॉय होने वाला है। तो वीडियो मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर ख़त्म, चलेंगे स्नान वगैरह करेंगे, फिर मिलते हैं। बाय बाय।